एटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की योजना बनाते हुए तीन शातिर दबोच लिए। इन बदमाशों ने लूट की कई घटनाओं का खुलासा किया है। आपको बता दें कि आवागढ़ पुलिस स्वाट टीम और जनपदी इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त कार्रवाई में युवकों को धर दबोचा गया, जहां वसुंधरा कस्बे में अंग्रेजी शराब ठेकों से तमंचा दिखाकर हजारों रुपए की लूट और शराब की पेटी लूटने की घटना का भी खुलासा हुआ है। तो वहीं बियर के ठेके पर सेल्समैन के द्वारा रुपए न देने पर तमंचे से गोली मारने की घटना का भी युवकों ने खुलासा किया। थाना पिलुआ में कस्बा भदवा से शराब की बिक्री में तमंचा दिखाकर हजारों रुपए की लूट को भी अंजाम देने की घटना को इन्होंने कबूल किया है। इसके साथ ही कोतवाली देहात क्षेत्र में विरामपुर बाईपास के पास तमंचा दिखाकर शराब की बिक्री के हजारों रुपए एवं अंग्रेजी शराब की बोतल की लूट का भी खुलासा किया गया। पकड़े गए आरोपी फायरिंग कर शराब के ठेकेदारों से नकदी और शराब की लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। वहीं इस समय ये गैंग जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इनमें से एक आरोपी गोविंदा लेडीज बनकर सूट साड़ी या फिर बुर्का पहनकर थाने पर चल रही घटना के संबंध में गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को देता था। पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि वो कई और घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और इसके पहले ही वो धर दबोचे गए हैं। थाना पुलिस में और कई अन्य थानों में लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, थाना आवागढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से दुस्साहसिक ढंग से शराब के ठेकों पर माह मार्च से अब तक लूट की घटनाएं तीन कारित की गई थी। यह एक संगठित गिरोह है जिसमें कुल छह शातिर अभियुक्त इसमें शामिल हैं और इनके द्वारा बड़े ही सुनियोजित ढंग से उन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। प्रायः जब भीड़भाड़ कम हो जाती है रात्रि 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में उक्त घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस के लिए ये चैलेंज था और इसको मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने इस पूरे गैंग को वर्कआउट किया है। तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना से संबंधित दो अभियुक्त अन्य आपराधिक मामले में ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। एक शातिर अपराधी की अभी तलाश जारी है। इसमें कुछ अन्य थाना क्षेत्रों के लूट का खुलासा हुआ? इसमें तीन थाना क्षेत्र हैं। 9 मार्च को थाना पिलुआ थाना क्षेत्र में, तदुपरांत 13 मार्च को थाना आवागढ़ क्षेत्र में और उसके बाद माह अप्रैल में ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत इनके द्वारा शराब के ठेके पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें जो चौंकाने वाला तथ्य प्रकाश में आया है वो इसमें इस गैंग में शामिल एक शातिर अभियुक्त के द्वारा महिलाओं का ड्रेस पहनकर पुलिस की मुखबिरी की जाती थी। यानी पुलिस का घटना के बाद क्या रिएक्शन है, पुलिस का फोकस किस तरफ है, इस बात की भी जानकारी करने के लिए उसके द्वारा कई थानों पर इस प्रकार के चक्कर लगाकर और पुलिस की मुखबिरी करने का प्रयास किया गया।